देशवासियों, कल भारत की भावी राजनीति का एक नया अध्याय शुरुआत हो रही है। एक ऐसा परिवार जिसने देश के लिए शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटे, जो राजीव जी और इंदिरा जी की, नेहरू जी की विरासत, एक त्याग की विरासत सोनिया जी की, जिनके अंतर मन में, ब्लड में है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी वायनाड से अपना नामांकन भर रही है। ये एहसास कराता है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की नींव जो संविधान के अनुरूप एक सबको अपने अधिकारों को स्वतंत्रता से जीने का एक स्वभाव बनाने का एहसास कराया, उसी को और ताकत देने का संसद में एक अवसर मिला है। जो संविधान की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को और ताकत कैसे मिले, जो महिलाओं की बात, जो बच्चों की बात, जो महिला सशक्तिकरण की बात, जो लगातार आधी आबादी की लड़ाई की बात प्रियंका गांधी जी करती है, उसको और ताकत कैसे मिले। इसके लिए जरूर वायनाड की जनता लाखों लाख वोट से उनको जिताएगी, पर आपकी और हमारी देशवासियों की आज इस भावना को कि उनको हमारी विशेष मिले, हम सब मिलकर उनके लिए प्रेयर करें, उनके लिए ताकत से जहां जो बन पड़े। मैं मानता हूं कि देश की आने वाली भावी भविष्य और राजनीति के लिए हम सब मिलकर इस भावना को कि प्रियंका जी लाखों लाख वोटों से जीते, इस भाव के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और वायनाड की जनता से प्रार्थना करता हूं कि उनको खूब 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 भारी बहुमत से आप जिता। दुनिया के नक्षत्र में आने वाला एक ऐसा चेहरा है जो जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, किस न्यू को बना रहे हैं वायनाड के लोग। मैं समझता हूँ ये एहसास सालों बाद आपको और हमको सबको होगा। धन्यवाद।